ओह माय गॉड, आंटी अनुपमा तो बहुत खा रही है। ए चिंटू चुप करो, जाओ आइसक्रीम लेकर आओ। आइसक्रीम? तुम बिल्कुल चुपचाप बैठो। ओके। आइसक्रीम खत्म हो गई। खत्म? किसने खाया? अरे मैंने सुबह देखा था, तब तो फुल था। इससे पूछिए, इसी ने खाई होगी। वैसे भी इसे खुद नहीं पता कि ये कितना खाती है, बुखड़ों की तरह खाती रहती है। अंकल, एक्चुअली मैंने आइसक्रीम खाया था। अरे चिंटू, आधा किलो आइसक्रीम तूने खा लिया? अनु, हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो। प्रेगनेंसी टाइम पर ज्यादा भूख लगती है, अगर नहीं पता तो पूछ लो। इस घर में तीन औरतें हैं, पता चल जाएगा। हमेशा खाना खाना लगा के रखा है। अर्जुन, जिंटू को शास्त्री के रूम में सुला दो। तुम मेरे साथ आओ। आओ चलो। चीज़, मामी को मत बताना। क्यों? मुझे डायबिटीज हुई थी, मैंने उसको कहा, मैंने शराब छोड़ दी। इस मसने क्या बात है? इतने साल हो गए फिर भी मम्मी से डरते हैं? मैं डरता नहीं, सावधान रहता हूँ। और मैं सावधान ही हूँ इसलिए किसी भी औरत ने मेरे ऊपर आज तक पानी नहीं फेंका है। तो आप यहाँ पर ये बोलने लाए थे? आपने बोल लिया तो आप घर चले? नहीं रुको, रुक जाओ अर्जुन। ए, ए। तो नया क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रॉब्लम क्या आखिर तुम्हारी? आपने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। ये मेरी प्रॉब्लम है, तो आप बीच में मत पड़ो। अगर तुम अपने कमरे के अंदर लड़ती हो तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, अगर तुम कमरे के बाहर लड़ती हो तो वो फैमिली का प्रॉब्लम है। अनु में कमी क्या है? वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? ये मैं कैसे बताऊं? ठीक है बाबा, आपको फिश पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है तो क्या आप खाएंगे? नहीं पसंद, मैं उसे छूता नहीं। फिर तुम्हारी मछली प्रेग्नेंट कैसे हो गई बिना छुए? हां पापा, छी। कपल्स का लड़ना गलत नहीं है, पर हर लड़ाई के बाद उन्हें पास आना चाहिए, एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए। मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ पापा। ये तुम्हारा हक नहीं है अर्जुन, ये औरत का फैसला होता है कि उसे बच्चा चाहिए या नहीं, उसका पूरा पूरा हक है ये। तुम दोनों का रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा और तुमको बच्चा भी नहीं चाहिए, पर उसको तो चाहिए, उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करो। तो अगली बार जब लड़ना तो पास आने के लिए, ना कि जीतने के लिए। मॉम। हमारे पेरेंट्स डरे हुए हैं, तो जब तक वो जाते नहीं नॉर्मल बिहेव करने का ट्राई करो। मम्मी, अंकल। गुड मॉर्निंग चिंटू, ब्रेकफास्ट करोगे? हाँ मम्मी। अंकल। चिंटू क्या हुआ? अंकल। मम्मी। चिंटू क्या हुआ? आई एम सॉरी, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी। चिंटू आई एम सॉरी, मुझे भी नहीं चिल्लाना चाहिए था। आई एम सॉरी। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। क्या हुआ? वो चाहते हैं कि हम नॉर्मल बिहेव करें जब तक मम्मी पापा यहां हैं। लेकिन कैसे? मेरा खून खोलता है जब मैं उसे देखता हूं। तुम नहीं जानते कि उसकी वजह से मैंने कितना सहा है। मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी वजह से। मैंने एक अच्छे कॉलेज में सीट खो दी, मैं फॉरेन में गुलाम बन गया, गुलाम। देखो 14 किलोमीटर्स टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। लेकिन मैं सब कुछ भूल गया और तुमसे हंस के बात करता हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली के काफी करीब आ गया। क्या तुम सब कुछ नहीं भूल सकते और थोड़े दिनों के लिए नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते? क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? ओके, एक चीज करो, अगर हम किसी से गुस्सा होते हैं तो अगर हमारी उनकी स्वीट मेमोरीज याद आ जाए तो हम गुस्सा भूल जाते हैं। हम दोनों की कोई याद ही नहीं है। हो ही नहीं सकता, एकदम बेस्ट फ्रेंड भी जिंदगी में एक बार लड़ता तो जरूर है, और एक कट्टर दुश्मन भी जिंदगी में एक बार हाथ जरूर मिलाता है।
भाई सोचो इसके बारे में और जिंदगी में एक पल खोजो। क्या हुआ बेबी? किक कर रहा है। क्या क्या ये हो सकता है? हाँ तुम्हें फील करना है। हाँ रुको। देखा? वाव। अंकल अंकल आपको ये देखना चाहिए, ये कमाल का है। बेबी किक कर रहा है, आप भी महसूस करो। छोड़ मुझे। नाइस ना? कॉलेज से कब आए? दवाई ली? अभी नहीं मॉम। अर्जुन अनु के रूम से दवाई लाओ। कार अनु को दे दो। अर्जुन भाई सोचो इसके बारे में और जिंदगी में एक पल खोजो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। ये खत्म हुआ अर्जुन। We are done. मैं ये नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं अर्जुन? अर्जुन इसकी वजह से अनु, इसकी वजह से। ये मेरी फोटोज हैं। लेकिन मैं भी तो इनका हिस्सा हूँ। तुम्हारी हर यादों में दिखता है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। मुझे तुम नहीं पसंद। फिर इन सब का मतलब क्या है बताओ मुझे। अनु बोलो। वो प्यार है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी गलतियां माफ की। मुझे लगा मैं तुमसे शादी करके तुम्हें बदल दूंगी। मुझे लगा तुम बदल जाओगे अगर हम पास रहे तो। लेकिन तुम इडियट हो, इडियट, इनसेंसिटिव हो। तुमने कहा मैंने तुम्हें फंसा के, मैंने तुम्हारा रेप किया। मैंने नहीं कहा। यही तुम्हारा मतलब था अर्जुन? मैं इन सबको माफ करने वाली थी, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को छुआ और कहा कि तुम्हें नहीं चाहिए। उस समय मैंने सोच लिया तुम मुझे नहीं चाहिए। अनु प्लीज, आई एम रियली वेरी 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 सॉरी। मुझे माफ कर दो, मैं घबरा गया था। झूठ मत बोलो अर्जुन। मैं चिंटू नहीं हूं जो विश्वास कर लूंगी। अनु मैंने चिंटू को जो भी कहा वो सच है। यू आर माई फर्स्ट क्रश। भगवान की कसम। भगवान हमारी सबसे जरूरी चीज हमारे पास ही रखते हैं।
वो ऊपर से देखते रहते हैं और अगर हम उसे लेते हैं और वो समय समय पर हिंट देते रहते हैं। उन्होंने बहुत बार हिंट दी लेकिन मैं नहीं समझा। मैं तब तक नहीं समझा जब तक बच्चे ने किक नहीं किया। 6 मार्च 1999 एग्जैक्टली 5:30 बजे मैंने भगवान को कहा कि मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए और अगले ही सेकंड वहां पर एक कार आकर रुकी और उसमें से एक 4 साल की बच्ची निकली, पिंक फ्रॉक और पिंक शूज पहने। मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था, सिर्फ मुझे ही नहीं पूरी कॉलोनी को प्यार हो गया था। और तब जो मेरा ख्याल रखते थे, मुझे खिलाते थे, वो सब मुझे भूल गए और मुझे इतनी जलन होने लगी कि मैं तुमसे नफरत करने लगा। इसलिए मैं तुम्हें प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं अपनी गलतियों को समझ चुका हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा लग रहा है कि मैं समंदर में डूब रहा हूं, सांस नहीं ले पा रहा हूं अनु, सांस नहीं ले पा रहा। प्लीज प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं अपनी सारी नफरत प्यार में बदल दूंगा। प्लीज प्लीज। ठीक तो वाटर ब्रोक, बेबी निकल रहा है। गॉड, लेकिन तुमने तो अगले हफ्ते कहा था। मुझे नहीं पता। अगले हफ्ते कहा था ना तुमने। तो क्या अभी उसे नहीं आने दोगे? ओह सॉरी सॉरी, कॉल द एम्बुलेंस। बैठ जाओ बैठ जाओ। अर्जुन क्या हुआ बेटा? मैं बहुत डर गया था पापा, वो बहुत रोई। अनु बच्ची पापा। लेकिन वो रोते हुए भी बहुत क्यूट लग रही थी। बेबी अनु पापा। लेकिन उसने मेरी उंगली जोर से पकड़ी और जाने नहीं दिया। अनु बच्ची पापा। वो सोते सोते भी मुझे स्माइल दे रही थी। वाह प्राइसलेस पापा, प्राइसलेस। अनु या बेबी? दोनों पापा। जब हमें ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे तब मैं अनु से प्यार करता था, लेकिन उसके बाद उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। उसने बहुत सहा है पापा। दर्द? ये मेरा हस्बैंड है। शादी कर लो। ये क्यों नहीं कह सकते मुझे पसंद करते? मुझे भी